हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जन्म व मृत्यु के भय का नाश कर देता है, भक्ति के प्रवाह को बढ़ा देता है तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है। मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। उक्त आशय के उद्गार मानेवाड़ा के बालाजी नगर में जारी संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव के दौरान भागवत कथाकार योगेश कृष्णा महाराज ने भक्तों से कहे। कथा का आयोजन 10 अप्रैल तक किया गया है। कथाकार महाराज ने कहा कि कथा की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन व्यवहार में उतारे और निरंतर हरिस्मरण करते रहे, अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाकर अपना आत्मकल्याण करे। श्रीमद् भागवत का श्रवण व दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जब किसी के भाग्य खुल जाते हैं तभी श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का श्रवण हो पाता है। पावन हृदय से इसका स्मरण मात्र करने पर करोड़ों पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भागवत साक्षात श्री हरि का रूप है। जो फल अन्य युगों में तपस्या योग समाधि के द्वारा प्राप्त नहीं होता था वह फल कलयुग में मात्र भगवान श्री हरि के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कुछ दिन पहले छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ में आंदोलन किया गया। उस पर कोई सकारात्मक निर्णय ना होने पर आज नागपुर जिला NSUI की ओर से छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन किया गया। NSUI के पदाधिकारियों ने कुलगुरु को सबूत देते हुए समझाया कि सरकार के आदेश के बाद भी बहुतांश महाविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा ही दे रहे हैं, जबकि सबसे पहले कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। या आप पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो छात्रों की परीक्षा भी ऑनलाइन ही ली जाए, वरना छात्रों को साथ लेकर विद्यापीठ के परीक्षा भवन तथा जमनालाल बजाज परिसर को बंद कर दिया जाएगा। जिस पर नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरु सुभाष चौधरी ने इस विषय को गंभीरता से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत से बात करके इसका हल निकालने की बात कही और सभी छात्रों को आश्वासन दिया कि फैसला आपके हक में लाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आंदोलन में महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आमिर शेख के मार्गदर्शन में प्रदेश युवक कांग्रेस महासचिव अजीत सिंह, नागपुर युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष आशीष मंडपे, जिला उपाध्यक्ष शादाब सूफी, संजना सिन्हा, कंचन पैदलवार आदि ने हिस्सा लिया। बेलदार युवा सेवा संगठन के माजी अध्यक्ष अरुण अकुलवार ने बेलदार प्रीमियर लीग कन्नमवार कप का आयोजन विट्ठलनगर मैदान में किया, जिसमें रोमांचक अंतिम मुकाबले में सिरसपेट संघ ने सतरंजीपुरा संघ को 6 विकेट से हराकर मैच जीत लिया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मार्कंडेय सभागार तुकड़ोजी चौक में संपन्न हुआ। अध्यक्ष स्थान पर सामाजिक कार्यकर्ता कमल नामपल्लीवार, प्रमुख अतिथि पद्मशाली समाज के अध्यक्ष राजू नागुलवार, बेलदार समाज के अध्यक्ष चंद्रशेखर कुट्टेवार तथा विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर रमेश सिंगम, विवेक नागुलवार उपस्थित थे। प्रथम पुरस्कार नंदा मदन गुरलवार की ओर से 5,000 रुपए नगद तथा स्वर्गीय भैयाजी सिंगम स्मृति चषक डॉक्टर अर्चना सिंगम द्वारा विजेता सिरसपेट टीम को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार सेंचुरी कोचिंग क्लासेस की संचालिका मेघना मार्चंटवार की ओर से 3,000 रुपए नगद तथा स्वर्गीय भैयाजी सिंगम स्मृति चषक डॉक्टर अर्चना सिंगम द्वारा उपविजेता टीम सतरंजीपुरा को प्रदान किया गया। तृतीय पुरस्कार डॉक्टर विवेक अनंतवार की ओर से उनके पिता स्वर्गीय नारायणराव अनंतवार इनकी स्मृति में 1,000 रुपए गांधीबाग टीम को तथा चतुर्थ पुरस्कार श्री स्वामी समर्थ मोटर्स की ओर से 1,000 रुपए नगद फवारा चौक टीम को प्रदान किया गया। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए संगठन के अरुण आकुलवार, मुकुंद आड़ेवार आदि ने अथक प्रयास किए। शासकीय पॉलिटेक्निक सदर नागपुर के पूर्व छात्र संघ द्वारा महाविद्यालय परिसर में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन नागपुर ग्रीन रोटरी क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर शारदा रोशनखेड़े ने किया। किशोर स्वास्थ्य अकादमी नागपुर IMA के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राजीव मेहता मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर MB डायगवाने ने की। श्रीकांत डोईफोड़े ने अतिथियों का स्वागत किया व छात्र संघ की गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर युगल रायलू ने कड़ी प्रतिस्पर्धा की दुनिया में सॉफ्ट स्किल विकसित करने की जरूरत पर प्रकाश डाला। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर शारदा रोशनखेड़े ने युवा छात्रों से जीवन में सक्रिय बनने का आह्वान किया। डॉक्टर राजीव मेहता ने जीवन में सफल बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न कौशल पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर शिया सैयद ने कार्यक्रम का संचालन तथा आभार प्रदर्शन प्रोफेसर लिपिका चक्रवर्ती ने किया। मनीषा चौधरी ने अतिथियों का परिचय दिया। कार्यक्रम के सफलतार्थ प्रोफेसर ईशा लोखंडे, प्रोफेसर देवेंद्र सुरकर, प्रोफेसर GV गोतमारे, डॉक्टर सुनील बारस्कर तथा इंजीनियर अंबादे ने प्रयास किया।
पूर्व नागपुर के नए ट्रैफिक थानेदार बीएस नरके का शॉल श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा एनजीओ आघाड़ी के अध्यक्ष नरेश जुमानी, महेंद्र गुप्ता, महेंद्र राउत, नामदेव ठाकरे, रविकांत तिवारी, मनोज ठाकरे, ब्रजमोहन उपाध्याय, अशोक चांदेकर, भावित सातपुते, अक्षय नांदेकर, अनिल गिरी, प्रेम कुमार पांडे, प्रकाश शर्मा, संजय बादुले, विजय व्यास, मेजर सुभाष लांडे, पुलिस कांस्टेबल सुमित शुक्ला ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर नरके ने इतवारी लकड़गंज अनाज बाजार एवं ट्रैफिक की समस्या वाले स्थानों पर कार्रवाई करते हुए समस्या को जल्द सुलझाया जाएगा यह आश्वासन दिया। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी सभी को दिया एवं कहा कि किसी भी क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या हो तो तुरंत हमें कॉल करें, उसे जल्द हल किया जाएगा। सभी ने उन्हें बधाई दी एवं मिठाइयां बांटी। उत्तर भारतीय सभा वाड़ी ने नवनियुक्त पीआई प्रदीप रायनावार का स्वागत किया। इस सत्कार कार्यक्रम के दौरान अनेक सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई। वाड़ी में बढ़ता क्राइम रेट, दुर्घटना और भी काफी विषयों पर उत्तर भारतीय सभा के पदाधिकारियों से काफी देर तक चर्चा की गई। इस अवसर पर उत्तर भारतीय सभा के विदर्भ अध्यक्ष डीबी सिंह, जिलाध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला, वाड़ी अध्यक्ष प्रवीण सिंह, उपाध्यक्ष सुष्मित सिंह, मानसिंह ठाकुर, दयाशंकर मौर्य, जितेंद्र मौर्य, मुकेश सिंह, वकील विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल में जागतिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष गोविंद पुद्दार, सचिव हरीश अग्रवाल की विशेष उपस्थिति रही। डॉक्टर राकेश कैडलवार, डॉक्टर विद्या खोबरागड़े, डॉक्टर संतोष दखने, डॉक्टर सुनीता मिगलानी, मनीष केड़िया, साजिद शेख तथा हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ सदस्यों ने एक दूसरे को विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं दी। धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए वकील सतीश उके के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के विरोध में वकीलों के एक समूह ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नागपुर में जिला अदालत के बाहर प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते नागपुर के पार्वती नगर इलाके में वकील के आवास पर छापेमारी के बाद उके और उनके भाई प्रदीप को धनशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था। वकीलों के एक समूह ने न्याय मंदिर भवन के गेट नंबर 2 के बाहर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उके की गिरफ्तारी नागपुर में प्रभावशाली लोगों के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने का एक कदम है। पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मामले में आगे की जांच के लिए उके बंधुओं की ईडी हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। ईडी ने कहा है कि दोनों भाइयों के खिलाफ धन शोधन का मामला नागपुर पुलिस अजनी पुलिस स्टेशन द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 2 प्राथमिकी पर आधारित है। उके को पिछले कुछ वर्षों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अदालतों में याचिका दायर करने के लिए जाना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने शुक्रवार को 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और ₹25,000 का जुर्माना वसूला। मनपायुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में धंतोली जोन अंतर्गत मेडिकल चौक स्थित सेंटर पॉइंट हॉस्पिटल अस्पताल के खिलाफ अस्पताल परिसर में सामान्य कचरे के साथ बायोमेडिकल कचरा डालने की वजह से अस्पताल प्रशासन से ₹20,000 का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह धर्मपेट जोन के उपद्रव खोजी दल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की गई। टीम ने धर्मपेट जोन के अंतर्गत भगवागर धर्मपेट स्थित राजश्री मेडिकल स्टोर्स दुकान पर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की और ₹5,000 का जुर्माना वसूला। यह तमाम कार्रवाई एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में की गई। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,661 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर ₹2,65,000 का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे ₹38,000 का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे ₹24,000 का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। मध्य भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा किंग्सवे ग्रुप अपने विकास के साथ साथ इस क्षेत्र की प्रगति के लिए भी पूरी तरह तैयार है। एक सराहनीय नई पहल में किंग्सवे इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एवं आई ट्रांसफॉर्म ग्रुप अपना पैरामेडिक कॉन्क्लेव लॉन्च करने जा रहा है, जो कल 10 अप्रैल 2022 को किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
ये कॉन्क्लेव बेहद विशेष और अनोखा होगा क्योंकि इसमें महामारी से देश के पुनरुत्थान प्रक्रिया को दर्शाया जाएगा और दोबारा विकसित किए गए मेडेडिक मॉडल से हमें कैसे जुड़ना है इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। ये पहल चिकित्सा के दृष्टिकोण से हमें एक अभूतपूर्व भविष्य की ओर ले जाते हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 के अंत तक स्वास्थ्य सेवा बाजार 3 गुना बढ़कर 8.6 ट्रिलियन रुपए हो सकता है। भावी लक्ष्यों के अनुरूप 2022 के बजट में शामिल होने के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत कैपेक्स वित्त वर्ष 2021-22 में 2508 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5632 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 100% से भी ज्यादा की वृद्धि है। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में राज्य मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर से मिला। चेंबर के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया के नेतृत्व में उपाध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर के छावनी नागपुर स्थित निवास स्थान पर व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर से मुलाकात कर विधायक विकास ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति में विभिन्न व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की। चेंबर के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने मंत्री यशोमती ठाकुर को चेंबर की गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्हें NMRDA के नियमों LBT असेसमेंट प्रक्रिया से व्यापारियों को हो रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराते हुए शासन प्रशासन से चर्चा कर इन समस्याओं को हल कराने में सहयोग करने का निवेदन किया है। बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने यशोमती ठाकुर के साथ APMC मार्केट में अनाज पर लग रहे सेस व अन्य व्यापारिक समस्याओं पर भी चर्चा की। यशोमती ठाकुर ने सभी में उपस्थित व्यापारियों के निवेदन को ध्यान से सुनने के बाद आश्वासन दिया है कि वे सरकार से चर्चा कर इन समस्याओं का हल कराने में सहयोग करेगी। इस अवसर पर चेंबर अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया, पूर्व अध्यक्ष BC भरतिया आदि उपस्थित थे। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा डॉक्टर बबीता थूल के मार्गदर्शन में डॉक्टर मधुकर राव वासनिक PWS कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय नागपुर विभाग तथा डॉक्टर भोले विचार मंच नागपुर के संयुक्त पहल से PWS कॉलेज में एक दिवसीय राज्य स्तरीय चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। चर्चा सत्र में भारतीय लोकतंत्र और मतदान व्यवहार विषय पर शोध निबंध प्रतियोगिता भी शामिल थी, जिसमें BA प्रथम वर्ष की छात्रा हीना शेख को प्रथम पुरस्कार तथा BA द्वितीय वर्ष की छात्रा अपर्णा पटले को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। आर्य विद्या सभा के सचिव राजेश लालवानी ने सफल छात्राओं का अभिनंदन किया तथा पुष्प गुच्छ देकर उनका सत्कार भी किया। प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार ने भी विजेताओं का अभिनंदन किया और इसी प्रकार से आगे भी इसी तरह से पुरस्कार प्राप्त करें ऐसी शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक वर्ग ने छात्राओं का अभिनंदन किया। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल के अथक प्रयास से गोंदिया, परतवाड़ा, पांढरकवड़ा, किनवट और आलमपल्ली के वन बंधु परिषद के 60 कार्यकर्ताओं में मुफ्त आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का नागपुर में आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नंदनवन नागपुर में संचालित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मनोज अग्रवाल, महेंद्र कटारिया, वन बंधु परिषद महिला समिति के मणि गोयनका, सीमा अग्रवाल, उर्मिला अग्रवाल, अनुसया अग्रवाल, ममता केडिया, मीना सुरेका, साधना गनेडीवाल, वर्षा पनपालिया, शशि गर्ग, दीपाली, ममता अग्रवाल आदि उपस्थित थे। अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ ने भी कार्यकर्ताओं का हेल्थ चेकअप कर उन्हें निःशुल्क आयुर्वेद दवाई प्रदान की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के आदेशानुसार और नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक विकास ठाकरे और मध्य नागपुर ब्लॉक 16 के अध्यक्ष मोतीराम मोहाड़ीकर के मार्गदर्शन में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ एवं केंद्र सरकार के विरोध में नाइक तलाव बांग्लादेश पुलिस चौकी के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। रवि पौनीकर, प्रकाश लायसे और शिवशंकर रणदीवे के नेतृत्व में और अन्नाजी राउत, हरिश्चंद्र नाइक, रामदास पराते, चंद्रकांत हिंगे, राजा चिल्लाटे, रमेश निमजे, जितेंद्र वेलेकर, ताराचंद बारापात्रे, शेखर पौनीकर के प्रमुख उपस्थिति में आंदोलन किया गया। रवि पौनीकर, प्रकाश लायसे, शिवशंकर रणदीवे ने कहा कि इस देश में हिटलरशाही और तानाशाही कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चलने देंगी। महंगाई से जनता हलाकान हो गई है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ दी है। इस आंदोलन को सफल बनाने में मनोज पौनीकर, राजेश धापोड़कर, विजय पौनीकर, भास्कर कुहाड़, ऋषि पराते, ताराचंद धकाते, किरण रणदीवे आदि कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर योगदान दिया।
वाड़ी नगर परिषद कार्यालय में आयोजित एक भावपूर्ण कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण की वजह से मारे गए दो कर्मचारियों के परिजनों को सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में नागपुर ग्रामीण की उपविभागीय अधिकारी इंदिरा चौधरी, वाड़ी नगर परिषद के मुख्याधिकारी विजय देशमुख प्रमुखता से उपस्थित थे। कोरोना महामारी जैसे गंभीर संकट में वाड़ी नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारीगण निरंतर कार्यरत थे, परंतु इस दौरान दो कर्मचारी संदीप अढ़ाऊ व रितेश गजबीये कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। पूर्ण प्रयास के बावजूद उनके प्राण नहीं बचाए जा सके। इस घटना से नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक का माहौल निर्माण हुआ। इन दोनों कर्मचारियों के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक मदद हेतु नगर परिषद की ओर से सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को मान्यता मिली और मृत कर्मचारियों के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए राशि मंजूर की गई। इस सहायता निधि वितरण हेतु वाड़ी नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में मृतक संदीप अढ़ाऊ की पत्नी जयश्री अढ़ाऊ व रितेश गजबीये की पत्नी सरिता गजबीये को ग्रामीण की उपविभागीय अधिकारी इंदिरा चौधरी की उपस्थिति में 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि के धनादेश प्रदान किए गए। इस अवसर पर इंदिरा चौधरी ने मृत कर्मचारियों के परिजनों को सांत्वना दी। शुक्रवार की दोपहर आसीनगर जोन अंतर्गत कपिल नगर में उस समय कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब प्रवर्तन विभाग का दस्ता अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंचा। दल बल के साथ पहुंचे दस्ते को देख संपत्ति धारकों में खलबली मची हुई थी। कपिल नगर में कुछ संपत्ति धारकों ने सीवरेज लाइन पर ही अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य कर रखा था। उसके चौक होने पर सफाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी और लोगों को इससे परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई, जिसके बाद जोनल कार्यालय के अनधिकृत निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी अनधिकृत निर्माण नहीं हटाया गया। शुक्रवार को जैसे ही दस्ते ने कार्रवाई शुरू की, नुकसान को देख संपत्ति धारकों की ओर से कुछ समय देने का अनुरोध किया गया, लेकिन दस्ते ने पहले ही काफी समय दिए जाने का हवाला देकर कार्रवाई जारी रखी। कार्रवाई के दौरान दस्ते ने राजेश शाहू, पद्माकर भैसारे, शरद ठाकरे, इंगले, मनीष बाउनकुले, महादेव रामटेके, चंद्रकला बागड़े, अविनाश माशारकर, श्रेया चौहान का पक्का निर्माण तोड़ा। कार्रवाई में प्रवर्तन विभाग प्रमुख अशोक पाटिल, प्रवर्तन निरीक्षक संजय कामले के मार्गदर्शन में टीमों ने हिस्सा लिया। बीते 2 सालों से प्रदेश सरकार अर्धसैनिक बल के अंतर्गत कांस्टेबल की परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। इन परीक्षार्थियों ने लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल और मेडिकल की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, इसके बाद भी इन्हें अयोग्य करार देकर नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। यह आरोप शुक्रवार को संविधान चौक पर बैठे परीक्षार्थियों ने विधायक चंद्रशेखर बावनकुले से लगाया है। साथ ही इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने की अपील भी की है। उनका कहना था कि कई परीक्षार्थियों की उम्र निकल चुकी है, वे दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकते हैं। इस मामले पर विधायक बावनकुले का कहना था कि वे इस मसले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात कर समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। धरने पर बैठे करीब 150 युवाओं का एकमत से कहना था कि शहर का कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। उनके अनुसार वर्ष 2018 में अर्धसैनिक बल के विभिन्न पदों के लिए 60,210 पद निकाले थे। एग्जाम के बाद 55,000 लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन 5,210 लोगों को प्रक्रिया से अलग कर दिया, इसलिए वे बीते 36 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की टीम शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से स्थित चंद्रपुर जिले में उस अज्ञात वस्तु का निरीक्षण करने पहुंची, जो करीब एक सप्ताह पहले आसमान से गिरी थी। उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल की शाम उत्तरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कई लोगों द्वारा आसमान में जलती हुई अज्ञात वस्तु देखी थी, जिसके बाद चंद्रपुर जिले के सिंदेवाही तहसील में धातु का छल्ला और 6 सिलेंडर जैसी वस्तु मिली थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वे रॉकेट से निकले बूस्टर के हिस्से हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। हालांकि नागपुर स्थित भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि वो बिना परीक्षण किए वस्तु की प्रकृति के बारे में टिप्पणी नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल को रात 7:50 पर लाडबोरी गांव में एक खेत से लोहे का छल्ला मिला था, जबकि अगली सुबह सिंदेवाही तहसील के ही पवनपार गांव से सिलेंडर की आकृति की वस्तु मिली। बाद में इलाके से ही 5 सिलेंडर जैसी वस्तु मिली। खगोल शास्त्र में रुचि रखने वालों के समूह स्काई वॉच के प्रमुख सुरेश चौपा ने, जो इसरो के 2 वैज्ञानिकों के साथ मौके पर गए थे, उन्होंने बताया कि वे उस स्थान पर गए और जांच की, जहां पर लोहे का छल्ला और 6 सिलेंडर मिले थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के कारण लोगों को हो रही परेशानियों का हवाला देकर
उन्हें निकालने अन्यथा मन से सैनिकों की ओर से इनके सामने ही दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी दी थी। इसके अनुसार अब शहर में तुरंत अनधिकृत लाउडस्पीकर निकालने की मांग करते हुए मनसे के प्रदेश महासचिव हेमंत गडकरी और शहर अध्यक्ष विशाल बड़गे के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने पुलिस आयुक्त मितेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि किसी धर्म का विरोध नहीं है, लेकिन एक धर्म के कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर नियम बताए जाते हैं, जबकि अन्य को छूट दी जाती है। चर्चा के दौरान शिष्टमंडल ने कहा कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम नहीं चल सकेंगे, यहाँ तक कि इस संदर्भ में हाई कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसे हाई कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा मनसे प्रमुख की ओर से दी गई चेतावनी के अनुसार अमल करने के संकेत उन्होंने दिए। चर्चा के बाद आयुक्त ने इस विषय को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल में घनश्याम निखाड़े, शशांक गिरडे, उमेश उत्खेड़े, गौरव पुरी, अंकित झाड़े आदि शामिल थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।